अच्छा इमोशनल स्टोरी छाटता है, एक नंबर का चालू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हे, मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करता है। और तू क्यों से करती है? ऐसा क्यों लगता? क्योंकि मैं तुम दोनों को जानती हूँ। ओके, क्या कर रही? तुम्हें प्यार में धोखा मिला था। मार डालूंगी। मार डालो। कैसी हो प्रिया? जीवा। वो खुश होंगे कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिलने वाला है। प्लीज मजाक मत करो। अच्छा सुनो, काम चेक कर लेना है। ठीक है, नहीं आऊंगा। तुम अपने पापा को खुद संभाल लेना। बोलो प्रिया है। बता रहे हैं इनका। तुम कौन? जीवा, प्रिया का फ्रेंड। ओ कम। हाय जीवा। कैसी हो? फाइन। पापा किस बात का फ्रेंड है? उसकी शादी में मुलाकात थी। क्या क्या भैया? मैं बस दो मिनट में आई ना। बताओ ही, मैं तो क्रिमिनल नहीं या सिविल? नहीं तो बात ये कि अफेयर के। हेलो, बोल रही। मना किया था, तू तो मेरे घर पर क्यों आए? इतना डर क्यों रहा है? जो तुम्हें जॉब मिल जाए तब यहाँ पर आना, अगर तब भी तुम्हारा और प्रिया सारे तो सुबह सुबह नहा धो के तैयार है। आजकल पत्ते मारता हूँ, 250 रुपए का 3 घंटा। कैसे मामा? हाँ मामा, वो बैंक ऑफिसर की नौकरी है। खुश हो ना? किसने बताया आपको? ढाई बांधना कला है, समोसा बना। और मामी जी कैसी हैं? उनको फोन कीजिए जरा। मैं डर बात करता हूँ। आप जिस कस्टमर से बात करना चाहते हैं दूसरे कॉल पे पूरी तरह से मस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। शादी के लिए अभी से दुनिया मिला दी। मैं मंदिर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई हूँ। बेराशि कर्क है। राशि और नक्षत्र बताइए। कर्क की थी। पूसा नक्षत्र। पूसा नक्षत्र। आई लव यू। आई लव यू। थैंक्स सो मच सदा। किसे बताया? हाँ, इसने प्रिया ने। आप सीधा पेपर में चले। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है। जी माँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाभी ने बताया तुम्हारे काम का पहला दिन है। हाँ जी। ओ भैया, आज शाम को आप क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? पहले कुछ स्कूल तो हो गया। आजा भाई जी। हाँ, ओके भाई। खुश रहो, संभल के जाना। जिंदगी में जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लोगों को आजकल गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए संभल के जाना। भूल गया था। अरे मैंने पहले से निकाल कर रखे। ये दे 200 रुपये। माँ क्या चाहिए? पापा ने दिए ना, अब जाओ। अब आपको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अभी नहीं सुनिए। अरे सुन, माँ को मत छोड़ना, इनके पास बहुत काला धन है।
देश में कोई चीज बची नहीं। ऐसे लोग तो बीच चौराहे पे फंसी बचा देना चाहिए। अभी सुधरेंगे जो देखा वो भूल जाओ, काम पे लग जाओ। दुनिया की सोचेगा तो कलेक्शन की मांग लग जाएगी। शाम को मिलता हूँ। राजेश सर उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था। वो तो शाम को ही आएंगे। सर बांधवा एक सर अभी बोल रहा हूँ, उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं बाइक उठा के ले जा रहा हूँ, मैनेजर से बात कर ले। सर एक मिनट रुकिए सर, मैं देखती हूँ। दिमाग खराब कर रखा है, मुझे नौकर समझाया क्या? बाकी के पैसे दो या अभी बाइक उठा के ले जा रहा हूँ। एक घंटा रुको ना भाई, तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। क्या दोनों घंटे ले लो, ऐसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। ये बैठा हूँ, कल चौटा जाओ। कुछ बोली हुई क्या? कितना कलेक्शन हुआ? 5 कलेक्शन हो गए। क्या सबसे कहा कल पैसे ले जाना। कलेक्शन क्या 8 हुआ? पहले कल क्या था तू? एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमिंग फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। बाइक की पेमेंट लेने आया हूँ सर। लकड़ी में सारा पैसा खर्च हो गया। क्या बोल रहे हैं साहब? साहब साहब सच कर रहे हैं। आज मुझे क्या हुआ? डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, कोई बात नहीं। बेटा क्या खाएगा बेटा? वो खाएगा ला ले। और क्या खाएगा बेटा? चॉकलेट दो बेटे को। ये भी ये ले बिस्किट। मेरे भाई कलेक्शन भी लेकर आने के लिए क्या किया? ए ताना मत मार बेचारा गरीब, सबसे एक घंटे के लिए ट्राई कर रहा था, जिसके लिए 4,000 एक काम कर, उसके राशन कार्ड पे अपना भी नाम चढ़ा दे। उसके बाद कहाँ गया? अंकल पापा ऑफिस गए, अब कल आना। अरे बेटा 1 बजे बैंक बंद हो जाता है, तो मम्मी को बोला मुझसे ले लूँगा।
बांट देंगे। सिस्टर, जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। शकुदे 12:30 बजे। तुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ऐसी नौकरी मिलेगी जो तेरे लायक हो। पैसे की कर दी तो क्या करेंगे पति साहब, क्या हो जाएगा।
बाहर ना भटकना, जितनी जल्दी हो चला जाना, ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ। राम।